तो आज हम जिस केस के बारे में बात करेंगे उस केस का नाम है पन्नूराम गणपति चौगले वर्सेस विश्वास राव पटेल मुर्गत सहकारी। इस केस में सरफेसी एक्ट के बारे में बात की गई है कि ये एक्ट यूज किया जाए कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा ड्यूज को रिकवर करने के लिए। इस केस में 5 जजेस की बेंच थी। जजेस थे वो थे जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस अनुराधा बोस। अब देखते हैं कि इस केस का क्या डिस्क्रिप्शन है। इस केस में कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सरफेसी एक्ट के अंदर आती हैं, उसी तरह जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट 1 की एंट्री 45(7) शेड्यूल में। अब देखते हैं कि इस केस का क्या बैकग्राउंड रहा। सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी के क्लॉज 5 ऑफ सरफेसी एक्ट के पावर्स के तहत एक नोटिफिकेशन दिया गया था 28/1/2003 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कंपनी अफेयर्स को, ये इंडिकेट करते हुए कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कैटेगराइज की गई हैं सेक्शन 5 के सब क्लॉज CCI ऑफ BR एक्ट 1949 में। उसके बाद सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में भी कुछ चेंजेस और ऑल्टरेशन किए गए थे बाय कंसोलिडेटिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। इसी तरह कुछ और ऑल्टरेशन भी हुए थे सरफेसी एक्ट में और आगे कुछ RDB एक्ट 1993 में भी चेंजेस किए गए थे सेक्शन 2 सब क्लॉज डी से रिलेटेड। अब जो पार्लियामेंट है उसको भी अमेंडमेंट जो था वो प्रॉपर लगा था जो किया गया था बैंक की डेफिनेशन में, जिसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में था। पर ये करते ही काफ़ी सारे रेट पिटिशंस फाइल किए गए थे ये अमेंडमेंट को चैलेंज करते हुए। एक पहले दिए गए जजमेंट की बात करी जो कि इसी इशू से रिलेटेड था, वो केस का नाम है ग्रेटर बॉम्बे केस का जजमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने ये मेंशन किया था कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा सकती हैं RDB एक्ट के अंदर अपने ड्यूज को रिकवर करने के लिए। कोर्ट ने यह भी बताया कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री 32 ऑफ स्टेट लिस्ट मतलब लिस्ट 2 ऑफ 7 शेड्यूल के अंदर आती हैं और इसी वजह से पार्लियामेंट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है एंट्री 45 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल को लेजिस्लेट करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए कोर्ट इस कंक्लूजन पर आती है कि जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको हम बैंकिंग कंपनी नहीं कंसिडर कर सकते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। उसके बाद 13 अगस्त 2008 को जो अपीलेंट थे मतलब पन्नूराम गणपति चौगले, उन्होंने विश्वास राव पटेल बैंक लिमिटेड के एक्शन को क्वेश्चन किया सरफेसी एक्ट के अंदर। सबसे पहले इशू को समझाते हुए ट्रायल कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इस सूट को डिसाइड करने का, तो जो पहली अपील थी वो डिसमिस हो गई। उसके बाद अब अपील इस कोर्ट के पास आई जिसमें एक अलग रिट पिटिशन आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फाइल की गई थी, जिसमें कि सरफेसी एक्ट के स्कोप को क्वेश्चन किया गया था जो कि रिलेटेड था नोटिस इशू करने से अंडर आर्टिकल 13। जब ये मैटर पेंडिंग था और भी पिटिशंस के साथ, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड डेट्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2012 को फोर्स में आने की बात कर दी, जिसमें सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी के डेफिनेशन के अमेंडमेंट की बात हुई और उसकी भी वैलिडिटी को क्वेश्चन किया गया था इस रिट पिटिशन में। अब देखते हैं कि इस केस में कौन कौन से इश्यूज रेज किए गए थे। इस केस में मेनली 3 इश्यूज को डील किया गया था, जिसमें से पहला इशू था कि क्या जो अमेंडमेंट और नोटिफिकेशन इशू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। दूसरा इशू था कि क्या बैंकिंग कंपनी जो कि सेक्शन 5 सब क्लॉज सी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर दी गई है वो कोऑपरेटिव बैंक्स को कवर करती है जो कि रजिस्टर की गई है स्टेट कोऑपरेटिव लॉज और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। और लास्ट इशू ये था कि क्या सरफेसी एक्ट जो कि प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स पर या नहीं। अब देखते हैं कि इस केस में पिटिशनर्स के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। श्री विजय कुमार जी जो कि पिटिशनर्स के काउंसिल थे, उन्होंने ये सबमिट किया कि जो पार्लियामेंट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कोई लॉज इनेक्ट करने के लिए जो कि रिलेटेड है कोऑपरेटिव बैंक से कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो बिजनेस करती हैं और वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही बनी रहती हैं और वो कवर नहीं होती हैं एंट्री 32 ऑफ लिस्ट 2 में। उन्होंने एक केस पर रिलाय किया जिसका नाम था इकबाल नसीर उस्मानी वर्सेज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स। उन्होंने बताया था कि एक कॉम्पिटेंट मैकेनिज्म है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और MSCS एक्ट में, इसीलिए जो अमेंडमेंट है सरफेसी एक्ट और जो नोटिफिकेशन है उसे स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि जो बैंकिंग शब्द है उसका भी एक मतलब है जैसे कि सेक्शन 5 क्लॉज बी ऑफ BR एक्ट 1949 में है। अब देखते हैं कि अपीलेंट से क्या आर्ग्यूमेंट थे। श्री देवांश मोहता ने बताया कि जो स्कोप है बैंकिंग का अंडर एंट्री 45 ऑफ लिस्ट 1 उसको हम इंटरप्रेट करें बैंकिंग की डेफिनेशन के हिसाब से जो कि सेक्शन 5 सब क्लॉज बी ऑफ BR एक्ट 1949 में है। उन्होंने रुस्तम कावास जी कॉपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया को रेफर किया जिसमें कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि बैंकिंग जो कि एंट्री 45 में है वो बैंकर और बैंक को इंक्लूड नहीं करती है।
उसके बाद उन्होंने महालक्ष्मी बैंक लिमिटेड वर्सेज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वेस्ट बंगाल को रेफर किया और इस केस में कोर्ट ने बैंकिंग शब्द को कंसिडर किया और ये बताया कि जो बैंकिंग का एसेंस है वो कोर ऑफ बैंकिंग से रिलेटेड है। फिर स्कोप ऑफ एंट्री 45 लिस्ट 1 को समझाते हुए उन्होंने ICICI बैंक लिमिटेड वर्सेज ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ ASP स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदर्स की डिसीजन को रेफर किया और उस पर एम्फोसाइज करते हुए बताया कि अगर कोई कंपनी अलग बिजनेस कर रही है सेक्शन 6 के क्लॉज 1 के क्लॉज A2O में तब वो बैंकिंग कंपनी ही मानी जाएगी जब तक वो कोर बैंकिंग फंक्शंस जो कि सेक्शन 5 सब क्लॉज B में दिए गए हैं उनको परफॉर्म कर रही है। आगे बताया कि BR एक्ट की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है वर्ड्स एक्टिविटी और एंटिटी के बीच में। बताया कि बैंकिंग शब्द चैप्टर 10A ऑफ कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद सेक्शन 277F से 277N तक अमेंडमेंट एक्ट 1936 से इंसर्ट किए गए हैं। उसके बाद सरफेसी एक्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में बताया कि ये एक्ट रेगुलेट करता है सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन को फाइनेंशियल असेट्स के और साथ में इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज का भी ध्यान रखता है। बताया कि बिजनेस का सिक्योरिटाइजेशन करना एक बैंकिंग बिजनेस नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियल असेट्स और डेब्ट की डेफिनेशन को समझाया। फिर लास्ट में बताया कि जो नोटिफिकेशन 28/1/2003 को दिया गया था वो अल्ट्रा वायरस है क्योंकि पार्लियामेंट ने सिर्फ 2 क्लासेस को ही इंक्लूड किया है, वो है बैंकिंग कंपनी और बैंकिंग कॉरपोरेशन। सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी के क्लॉज 5 में बैंक की डेफिनेशन को समझाया कि जो बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करी हैं वो एक्ट के अंदर बैंक हैं, कंसिडर ही की जाएंगी। सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी के क्लॉज 5 में बैंक की डेफिनेशन को समझाया कि जो बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करी हैं एक्ट के अंदर वो बैंक्स कंसिडर की जाएंगी। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो बैंकिंग कंपनी नहीं है और बैंकिंग कोऑपरेशन भी नहीं है, इसीलिए वो सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी के क्लॉज 5 ऑफ सरफेसी एक्ट में फॉल नहीं करती। बताया कि ये नोटिफिकेशन अल्ट्रा वायरस है और वॉयलेटिव ना केवल पेरेंट एक्ट का है पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी है और इस पर्पस के लिए उन्होंने एक केस पर रिलाय किया और उस केस का नाम है हिंसा विरोधक संघ वर्सेस मिर्जापुर मोती खुरेश जमात एंड अदर्स। अब देखते हैं कि इस केस में क्या जजमेंट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर बॉम्बे केस के डिसीजन को ओवररूल किया और कोऑपरेटिव बैंक्स का जो इंक्लूजन किया गया सरफेसी एक्ट में उसको अपेल्ड किया। सबसे पहले उन्होंने ये समझाया कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो बैंकिंग अंडर एंट्री 45 लिस्ट 1 में फॉल करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिथ एंड सब्सटेंस की डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया एंट्री 45 लिस्ट 1 को ऑब्जर्व करने के लिए और समझाया कि जो बैंकिंग शब्द है वो एक बहुत ही बड़े एम्पलीट्यूड का है और इसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स की एक्टिविटीज भी आती हैं और रिकवरी ऑफ लोन्स भी कवर होता है। और इसी रीजनिंग को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो अमेंडमेंट और नोटिफिकेशन है वो एक इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट है एंट्री 32 लिस्ट 2 पर और ये लॉ में परमिसिबल है। आगे समझाया कि पिथ एंड सब्सटेंस की जो डॉक्ट्रिन है वो वहां एप्लीकेबल होती है जहां लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की पर्टिकुलर इनैक्टमेंट पर चैलेंज हो। आगे ये डॉक्ट्रिन भी ये समझाती है कि जहां ये क्वेश्चन अराइज हो कि क्या एक पर्टिकुलर लॉ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेट करता है तो वहां कोर्ट एक मैटर की प्रॉपर सब्सटेंस को देखेगी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने रुस्तम कावासाजी कॉपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया की केस को रिलाय किया और वहां ये हेल्ड किया कि बैंकिंग अंडर एंट्री 45 लिस्ट 1 को एक एक्सपेंसिव मीनिंग दिया जाए जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज और मिसेलेनियस सर्विस जो प्रोवाइड की गई हैं कोर बिजनेस ऑफ बैंकिंग में उनको भी इंक्लूड किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज पर एम्फोसाइज किया और वो था कि जो कोऑपरेटिव बैंक है रेगुलेट होती है सेंट्रल लेजिस्लेशन से, उन पर भी ध्यान दिया गया। आगे उन्होंने जो पॉइंट कंसिडर किया वो है कि क्या जो बैंकिंग कंपनी शब्द है सेक्शन 5 सब क्लॉज सी ऑफ BR एक्ट में उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स उसके अंदर कवर होगा या नहीं होगा। उसमें आंसर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 56 सब क्लॉज ए ऑफ BR एक्ट के इफेक्ट को कंसिडर किया कि जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी 1965 में और जहां बैंकिंग कंपनीज का मतलब है कि कोई कंपनी जो ट्रांजैक्ट करती है बिजनेस बैंकिंग का। आगे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया कि कोऑपरेटिव बैंक्स को अलग से डिफाइन किया गया सेक्शन 56 ऑफ क्लॉज CCI ऑफ BR एक्ट में। फिर बताया कि बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन जो कि BR एक्ट में दी गई है उसको अमेंड नहीं किया गया और सेक्शन 56 क्लॉज ए के वर्च्यू से एक रेफरेंस बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंकिंग को दिया जा सकता है।
आगे बताया कि बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन को स्पेसिफिकली अमेंड नहीं किया गया और एक अलग से प्रोविजन नहीं बनाया जो कि एप्लीकेबल हो कोऑपरेटिव बैंक पर। इसे करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ प्रोविजंस को रिटेन करना था जिससे वो पहले थे वैसे ही, क्योंकि ये और भी बैंक्स पर अप्लाई होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय रेफरेंस को अप्लाई किया ये होल्ड करने के लिए कि सेक्शन 56 क्लॉज ए जो है वो एक पार्ट है सेक्शन 5 सब क्लॉज सी, और फिर जो बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन है उसको रीड करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स को इंक्लूड किया जाएगा। लास्ट में कोर्ट ने बताया कि बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन जो बीआर एक्ट में है वो इंक्लूड करती है कोऑपरेटिव बैंक को, और जो सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे कोऑपरेटिव बैंक्स पर क्योंकि सरफेसी एक्ट इनहेरिट करता है बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन को बीआर एक्ट से। और हम अलग शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स को बैंक ही कंसिडर किया जाएगा फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सरफेसी एक्ट। लास्ट पॉइंट में देखा गया वो जो रिलेट करता है नोटिफिकेशन और अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी से। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है नोटिफिकेशन को इशू करने में और अमेंडमेंट को इनैक्ट करने में, क्योंकि जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की वो एंट्री 45 लिस्ट 1 में फॉल करती हैं और सिर्फ एक इंसिडेंटली इंक्रोच करती हैं तो एंट्री 32 लिस्ट 2 पर, और ये लॉ में परमिसिबल है और इसी वजह से ये पार्लियामेंट के पास पावर्स में एंट्री 45 लिस्ट 1 में है कि वो प्रोवाइड करती हैं एडिशनल मेजर्स फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज बाय कोऑपरेटिव बैंक्स। और बताया कि जो नोटिफिकेशन और अमेंडमेंट है वो अल्ट्रा वायरस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का।